तुहीन, क्या रामगोपाल मिश्रा की हत्या का बदला है ये इनकाउंटर, तालीम और सरफराज का इनकाउंटर? नमस्ते मानव जी, सबको नमस्ते। कोई बदला बदले की भावना से काम नहीं करता है, ये इंसाफ का निर्वहन है। आप देखिए, पांचों जो आरोपी हैं रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या के, पांचों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और केवल दो घायल हुए हैं। तो एनकाउंटर हो ना हो, आप पुलिस पर विश्वास रखना शुरू करिए। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, विशेषकर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने हमेशा क्राइम को बढ़ावा दिया है, इसलिए पुलिस में उनकी आस्था नहीं है। लेकिन यदि हम पुलिस में आस्था रखें तो केवल दो का घायल होना और पांचों का गिरफ्तार होना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। फर्जी एनकाउंटर है ये आरोप लग रहा है तुहीन, ये इनकाउंटर नहीं है, फर्जी इनकाउंटर है। आप इसमें कोई मैसेजिंग करना चाहते हैं? पुलिस पर दबाव था, राज्य सरकार पर दबाव था कि एक हिंदू की हत्या कर दी गई जुलूस के दौरान, धार्मिक यात्रा के दौरान। अगर ऐसे रहेगा तो हिंदू कैसे आपको वोट देगा, आपके साथ रहेगा? तो आपने उसको बैलेंस करने के लिए, बदला लेने के लिए, मैसेज देने के लिए ये फर्जी इनकाउंटर कर दिया, पैरों में गोली मार दी। नहीं नहीं, मानक जी अगर मैसेजिंग ही करनी थी हमें, या फिर ये फर्जी ही था, तो क्या इतनी बारीकी से करना चाहिए था कि ये दोनों मरे भी नहीं? अरे मार देते ना अगर मैसेजिंग करना होता तो। ना तो इसमें मैसेजिंग का कोई सवाल उठता है, ना ये फर्जी एनकाउंटर थी। फर्जी है ये सारे आरोप समाजवादी पार्टी के। देखिए, आतिक अहमद के फैन क्लब और मोहित खान के फैन क्लब वालों से आप अपेक्षा करते हैं कि वो सही आरोप लगाएंगे? जिस क्रूरता के साथ राम गोपाल मिश्रा जी को मारा गया, मेरे ख्याल से ISIS भी उस मृत्यु, उस हत्या को देखकर शर्मसार होगी। और आज ये आज की बात नहीं है। देखिए, अगर हम उस जुलूस की बात करें जो इमर्शन के लिए, विसर्जन के लिए जा रहा था, 1945 में बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा था कि ज्यादातर, अधिकांश जो दंगे होते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच, उसमें केवल दो कारण होते हैं। एक जो है इसी प्रकार म्यूजिक प्ले करना, और एक और कारण उन्होंने बताया था। अब यही कारण जो है दोबारा अब आज तक जीवित है। कब तक हम बोलते रहेंगे कि ये एरिया हिंदू एरिया है? कब तक हम बोलते रहेंगे ये मुसलमान एरिया हमारे देश का? पर ये हर एक इंच जो भूमि है इस भारत की, वो भारत माता की भूमि है और भारत माता के सभी बच्चों की भूमि है। तो ये लोग जो जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं, जो हुआ सही हुआ, आपने देखा समाजवादी पार्टी के एक हैंडल से, ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जो इतनी प्रोवोकेटिव थी, जो इस तरह से उकसा रही थी लोगों को। मेरे ख्याल से उन चीजों की निंदा करनी चाहिए। ये जो हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया की आप बात कर रहे हैं ये तो पुलिस ने भी कहा, और बकायदा वो पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रही थी काफी समय तक, मुस्लिम एरिया बोलने के लिए। मुस्लिम एरिया था, वहां से ये जुलूस निकल रहा था, नहीं कहना चाहिए था, और इसीलिए नहीं कहना चाहिए था पुलिस को। और इसीलिए माननीय योगी जी का ये स्टेटमेंट भी था कि पुलिस के तरफ से भी जो लापरवाही होगी उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो इन आपको लगता है ये जो आरोप लगता है कि ये यात्राएं इस तरह से मुस्लिम एरिया से नहीं निकलनी चाहिए, इन यात्राओं में डीजे बजता है, म्यूजिक बजता है, तमाम तरह के गुंडागर्दी होती है, हुड़दंग होता है, मुस्लिमों को उस एरिया में उकसाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रिएक्शन होता है, इस आरोप का क्या जवाब देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो उकसाने के जो कुछ एक लफ्ज होते हैं वो मेरे ख्याल से 100 में से मुश्किल से एक ऐसे प्रोसेशन में होते होंगे, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आप कानून को हाथ में लेने को जस्टिफाई करेंगे? अगर मान लीजिए कि उकसाया भी गया है, आपके पास पुलिस में जाने का प्रावधान है, पुलिस आपके लिए खड़ी है, आप उस व्यक्ति को क्या ISIS स्टाइल में मारेंगे? मान लीजिए, मुझे नहीं पता कि वहां क्या प्रोवोकेटिव स्लोगन्स इमर्शन के दौरान, विसर्जन के दौरान उठाए गए, नहीं उठाए गए, लेकिन मान लीजिए कि उठाए भी गए, तो क्या आप ISIS स्टाइल में उस व्यक्ति की हत्या करेंगे या पुलिस को कंप्लेन करेंगे? ओके, ऑलराइट, मुझे पता है घनश्याम तिवारी, आलोक शर्मा सब बोलने को बेताब है, लेकिन इससे पहले आपको